नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। चितरंगी विकासखंड चितरंगी में कन्या शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में अपना घर अपना विद्यालय कार्यक्रम रखा गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चितरंगी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह रहे। कार्यक्रम में डीपीसी सिंगरौली आर के मिश्रा, वीआरसीसी चितरंगी फूलचंद बैस, कन्हैया प्रचार एस बी सिंह, बीईओ चितरंगी बी एस मांझी, एक्सीलेंसी प्रचार एम एल सिंह, बीएसी बीएसी सियाराम भारती की उपस्थिति में कार्यक्रम संचालित किया गया। अपना घर अपना विद्यालय कार्यक्रम में जिले की लक्ष्य शालाओं में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोविड-19 के संक्रमणों से बचाव हेतु लक्ष्य चलाए बंद होने के कारण समस्त दर्ज छात्रों को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में प्रायोजित भोजन पकाने की राशि के समतुल्य दाल एवं तेल प्रदाय किया गया है। जिले में कुल 2005 लक्षित शालाएं जिसमें प्राथमिक शाला 1493 एवं माध्यमिक शाला 512 के दर्ज छात्रों को 73 दिवस का प्रति दाल छात्र 2 किलो तथा 525 ग्राम खाद्य तेल प्रति छात्र प्राथमिक शाला एवं 3 किलोग्राम दाल तथा 783 ग्राम खाद्य तेल माध्यमिक शाला हेतु शासन स्तर पर प्रदाय किया गया है। साथियों, आप सब जानते हैं कि यह वर्ष पिछले 2020 से मार्च महीना से कोरोना काल में सभी विद्यालय और समूह के संस्था सब बंद थे। जैसा कि अभी संचालन हो रहा था कि सरकार द्वारा आप लोगों को दाल और तेल वितरण किया जाएगा, इसमें आप लोग समुचित रूप से इसका लाभ लें और अपने घर में जो व्यवस्था है अच्छे तरह से अभिभावक लोग बच्चों का मॉनिटरिंग करें कि विद्याधन में किसी प्रकार से गड़बड़ियां नहीं होना चाहिए। ये समय समय पर जैसा कि अभी निर्देश हुआ है सभी के घर में जाकर दाल और तेल वितरण करेंगे। हम अधिकारियों से चाहेंगे क्षेत्र में जितना भी प्राथमिक विद्यालय संतोष खैरवाल कक्षा 6 लियो पकड़ो बच्चे आएंगे रिंकू खैरवाल इधर देखो कक्षा। आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चितरंगी में हमारा घर हमारा परिवार कार्यक्रम में उपस्थित नाम आर के द्विवेदी जी डीपीसी, हम जानना चाहेंगे हमारा घर हमारा परिवार कार्यक्रम क्या है सर, इसका आशय क्या है? ये हमारा घर हमारा विद्यालय कोविड-19 ये 22 मार्च 2020 से सभी विद्यालय बंद थे, तो ऐसे में शासन की जो अपेक्षाएँ थी कि बच्चे जो है घर में ही रह करके पढ़ें और कोविड-19 को देखते हुए इस महामारी को देखते हुए हमारे शिक्षक और अगल बगल के जो पढ़े लिखे हुए अभिभावक थे वो जो है एक दूसरे के मदद करने के लिए या पढ़ाने के लिए पहुँचते थे, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। उसमें बहुत सारे हमारे ये डीजी लैब वगैरह भी चालू हुए, कई संस्थाएं भी आगे आई और इस महामारी ने मुझे सिखा दिया कि हमको क्या करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में भी हम अपने काम को जो है समुचित रूप से संचालित करते रहे, ये इसका विशेष है। हमारा घर हमारा विद्यालय की ये जो है भूमिका थी कि हम लोग सभी लोग, यहाँ तक मानना है कि जो लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, इस विषम परिस्थिति में सब हमारे बच्चे और अभिभावक और शिक्षक ठीक ढंग से मोबाइल चलाना सीखा। जो सूखा ये कार्यक्रम वितरण हो रहा है खाद्यान्नों का, ये लगभग कितने दिनों का है बच्चों छात्रों के लिए? ये 73 दिन का है। 73 दिन का ये दाल और तेल जी तो दिया जा रहा है। 73 दिन का है जी। तादाद में क्या है प्राथमिक तादाद में 2 किलो जो है दाल प्राइमरी के लिए है और 3 किलो जो है मिडिल के लिए है और
525 ग्राम मिडिल के लिए तेल है और प्राइमरी के लिए 525 प्राइमरी के लिए और 783 ग्राम जो है मिडिल। चित्रंगी से खबर समय जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।